इंटीग्रेशन के अंदर कुछ फॉर्मूलाज किए थे, कुछ फॉर्मूलाज किए थे, और उन कुछ फॉर्मूलाज में मैंने आपको कुछ रूल बताए थे कि इंटीग्रेशन के का जो पावर रूल है हर जगह चलेगा, लेकिन अगर मैंने इंटीग्रेशन आपको किसी भी पावर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू दे दिया, मैंने अगर x की पावर 1 देने की बजाय 2 दे दी, 3 दे दी, डिग्री मैंने 1 की जगह बढ़ा दी, तो यहां पर पावर रूल नहीं चलेगा। ये पॉइंट क्लियर है? नॉर्मल इंटीग्रेशंस कोई दिक्कत नहीं, x की, x स्क्वायर की, x क्यूब की कोई दिक्कत नहीं, सब जगह चलेगा, पर जहां अंडर रूट के अंदर डिग्री आ जाएगी 1 से ज्यादा वहां नहीं चलेगा। ये किया था। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री की, और इसको इसको करने से पहले हमने एक और चीज नोट की कि जहां पर 1 के नीचे कोई टर्म x की चल रही है और जिसकी पावर 1 चल रही है, तो वहां पर ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? log x में। तो जैसे मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ 7x माइनस 2 dx की, क्योंकि x की डिग्री यहां पर मैक्सिमम 1 चल रही है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपका पावर रूल तो फेल हो जाएगा, क्योंकि रेज टू पावर माइनस 1 करने से डिनोमिनेटर 0, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ 7x माइनस 2। ठीक है? यहां तक तो ऐसा करने को बोला था, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर बाय चांस यहां पर 1 बाय 7x स्क्वायर माइनस 2 आ जाए, अगर सपोज ये लो x स्क्वायर आ जाए, फिर यहां log रूल नहीं चलेगा, क्योंकि x की डिग्री 1 की जगह क्या हो गई? 2। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप भी क्लियर है? मैं आपको एक और कॉमन मिस्टेक बताता हूं। ठीक, मैंने किसी स्टूडेंट को कहा इंटीग्रेशन ऑफ करके दिखा साइन एक्स, साइन एक्स। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, साइन एक्स का तो फॉर्मूला याद है हमें, बोलो क्या? माइनस कॉस एक्स। तो आंसर इज माइनस कॉस एक्स। हुआ क्या, वो स्टूडेंट ना फॉर्मूला गया भूल। अब देखो वो बंदा कैसे दिमाग लगाता है, फॉर्मूला तो भूल गया, आपको तो याद है, आपको आता है आंसर इसका। वो स्टूडेंट भूल गया और वो कहता है कि साइन एक्स को एक काम करते हैं, को सीकेंट एक्स लिख लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कह रहे 1 बाई कोसीकेंट एक्स है, मैंने कहा हाँ। कहते हैं 1 बाय एक्स की लॉग एक्स 1 बाय कोसीकेंट एक्स की लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स, क्योंकि 1 के नीचे टर्म है तो ये कर देते हैं। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, कल को तेरे को दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कर, आंसर आना चाहिए था साइन एक्स। अब वो क्या कहेगा, 1 बाय सीकेंट एक्स डीएक्स, और उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स डीएक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब जिस चीज की इंटीग्रेशन नहीं आती ना, उसको 1 के नीचे ले जाओ और लॉग लगा के बाहर आ जाओ। बिल्कुल गलत, लॉग का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं चलता। अगर चलता होता तो हर कोई स्टूडेंट अपनी इंटीग्रेशन ना कर देता, फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, फिर वो कौन करता? तो आपने नहीं चलाना, आपने 1 बाय ये टर्म करके लॉग की टर्म नहीं लिखनी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ना तो पावर रूल चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ना तो लॉग का रूल चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है, सर आपने कुछ ना इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे लास्ट टाइम, उसमें लॉग यूज हो रहा था, उसमें कैसे चल गया? चेक करो, एक दो फॉर्मूले में लॉग आया था। वो मैंने नहीं किया, वो मैंने कोई ये रूल थोड़ा ना लगाया 1 बाय समथिंग को लॉग कर दो। वो तो जिस मैथ्स के बंदे ने फॉर्मूले बनाए, वो ऐसे बनाए कि जब वो उन फॉर्मूलाज के रिजल्ट को इंटीग्रेट की जगह डिफरेंशिएट करता है, उसका आंसर वही आना चाहिए जिसे वो इंटीग्रेट कर रहा है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे अगर मान लो साइन एक्स जो है, साइन एक्स की जो आंसर है माइनस कॉस एक्स, इसलिए है क्योंकि जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे आंसर वापस क्या आना चाहिए, साइन एक्स। तो वो हमारी हेडेक नहीं है कि जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया उसने फॉर्मूले कैसे बनाए, कईयों में उसको लॉग लेना पड़ा, कईयों में नहीं लेना पड़ा, पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि जहां हम फंस गए वहां लॉग लगाया और बाहर आ गए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर यहां तक? वैसे तो इतनी डीप इंटीग्रेशन आपको आती नहीं है कि आप लॉग तक सोच भी पाओगे, आपको तो स्टैंडर्ड साइन कॉस के ऊपर क्वेश्चन आना है, और वो आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं, तो आपका काम तो बहुत इजीली चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक? पर फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कल को आपका मन करे कि मैं एक काम करूं, इसमें मैं लॉग लगा दूं, तो नहीं लगाना ट्रिग्नोमेट्री में, अपनी मर्जी से लॉग बिल्कुल भी नहीं लगाना। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लॉग लगा हुआ है वो याद करके लग जाएगा, बात अलग है। ठीक है यहां तक? तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी करने के लिए,
वहीं से स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट से, और उसके बाद फिर आज इंटीग्रेशन खत्म होगी, और इंटीग्रेशन में आज के बाद एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है, एरर्स एंड एनालिसिस। सो इंटीग्रेशन को पहले खत्म करेंगे, और इंटीग्रेशन में मैंने जाते हुए आपको एक दो फॉर्मूलाज बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें से एक फॉर्मूला क्या था, कॉस ऑफ 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो ये वैल्यू है, और या फिर कॉस ऑफ 2x की जगह मैंने करवाया था कॉस स्क्वायर एक्स, को आप कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 - cos of 2x, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 1 - cos of 2x/2। ये फॉर्मूला मैंने करवाया था और कहा था कि अगर मैं यूज करना चाहूं तो कभी भी यूज कर सकता हूं। ये इसलिए करवाया था कि कल को अगर आप बाय चांस इंटीग्रेशन आपको पूछ ली जाए साइन स्क्वायर एक्स dx की, ठीक, मान लो इसकी इंटीग्रेशन पूछ ली जाती है, तो साइन स्क्वायर में मैंने पावर रूल लगाने को तो मना कर दिया, तो पावर रूल तो साइन क्यूब बाय 3 तो होने से रहा, और कोई फॉर्मूला आपको आता नहीं। आपको साइन एक्स का फॉर्मूला तो माइनस कॉस एक्स आता है, पर आपको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं। तो मैंने कहा था कि आप पहले मैथ्स यूज करके इसको कन्वर्ट करो, आप इसे कन्वर्ट करो कॉस ऑफ 2x/2 में, तो आप इसकी इंटीग्रेशन की बजाय इसकी इंटीग्रेशन कर लो। उसका रीजन ये बताया था कि इसकी डिग्री कॉस की क्या चल रही है, 1, और पावर इसकी क्या चल रही है, 1, और जबकि साइन की पावर क्या चल रही थी, 2। तो डिग्री जिनकी 2 चलती है उसकी इंटीग्रेशन तो हमें आती नहीं, लेकिन जिनकी डिग्री 1 चलती है, जिनकी पावर 1 चलती है, उनकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x, इसको ब्रेक कर लो, तो आपके पास कुछ ये टर्म बच जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो ये सिखाया आपको, तो आप ब्रेक कर लो, और यहां पे हाफ 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, और कॉस ऑफ 2x की, क्योंकि पावर तो 1 है, तो मेरे पास कॉस ऑफ एंगल का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन में, क्या होता है, साइन ऑफ एंगल 2x/d/dx ऑफ कितना, 2x, और साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर भी था इंटीग्रेशन की, जिन्होंने ट्राई की होगी उसमें साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया जो आपकी असाइनमेंट के अंदर था, ठीक, ये स्टेप सबको क्लियर है? हालांकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आती, नॉर्मल नहीं आती, बट ठीक है, 2 साल में 2-3 बार भी आ गई, तो एटलीस्ट उस टाइम बंदे को होता है कि ये मुझे आता नहीं था, लेकिन एटलीस्ट अब आपको आइडिया होगा कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक। तो रेगुलर उसके अंदर ये यूज होती नहीं है वैसे। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर, जो डाउट है वो पूछ सकते हो प्लीज, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 से पहले, कोई 12 से पहले, 11 इससे पहले, 7 इससे पहले, 8, 11 भी था, नेक्स्ट 4, 6, कौन सा, और 12, बस, ठीक है, और 10, ओके, और ठीक है, ओके। दो मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx + x dx + 1 x dx + 1 dx, ये लो इसकी इंटीग्रेशन है। तो आप इसमें ऐसे करो, x^2 ½ dx है ये, x dx 1 dx है, 1 / x dx है, एंड 1 dx है। स्टार्ट करते हैं, पावर रूल
पावर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, पावर इंक्रीज करेंगे 2 बाई 2, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कितना, लॉग एक्स, और इसमें एक्स आंसर। कोई डाउट इसमें, बस इससे टाइम नहीं लगना चाहिए आपको कैलकुलस करने में, बस डन, ठीक है। आता तो इस लेवल का कैलकुलस होना चाहिए कि फटाफट हाथ एलजेब्रा की तरह फटाफट डन, तो फिजिक्स समझो आराम आराम से बैठो और फिर बस मजे करो और कुछ नहीं करो, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 7 एक्स माइनस 1 डीएक्स। देखो इसकी ये 1 के नीचे चल रही है, अगर कोई गलती से पावर रूल लगाने की कोशिश भी करता है और उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 बाय 0, 0 डिनोमिनेटर में आया तो किसकी याद आएगी, लॉग की, तो ये लॉग से सॉल्व होगा और इसकी एक्स की पावर भी क्या है, 1, तो बोलो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय d by dx of 7x minus 1, तो log of 7x minus 1, इसको differentiate करेंगे तो 7, इसको करेंगे तो 0, answer, right? ये भी point समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ जी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंफ्यूजन थी मैं आपको बताता हूं। दूसरे बैच में एक स्टूडेंट है, मुझे सॉल्यूशन देता, मैंने कहा कैसे किया, उसने कॉपी चेक करवाई, वो कह रहा आपने एक फॉर्मूला करवाया था कॉस 2x का, मैंने कहा वो क्या, वो कहता कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहता मैंने ये पुट कर लिया, मैंने कहा फिर, कह रहा है कि फिर उसके बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, मैंने कहा ठीक किया, मैंने कहा फिर, कह रहा उसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाया। देखो गलत नहीं है वो, मैंने ये नहीं कहा कॉस 2x देखते ही ना टूट पड़ो और बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये है हम अवॉइड करते हैं कि कॉस और साइन की पावर 2, 3 ना हो, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, एंगल कुछ भी हो चाहे कॉस साइन का, पावर लेकिन 1 हो, और अच्छी भली पावर्स की क्या गिवन थी, 1, ऐसी उसने कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का चक्कर डाल लिया। इससे बेटर क्या था, कॉस ऑफ ये एंगल है ना, कॉस ऑफ एंगल की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एंगल, तो आंसर क्या आ गया, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द राइट आंसर। जरूरत क्या है, जरूरत होगी तो फॉर्मूला मैथ्स का पुट करो, जब जरूरत ही नहीं तो फिर फॉर्मूला क्यों पुट करो, जब सीधा ही आंसर आ रहा है तो आंसर निकालो। ओके, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, कॉस 2x का 8 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 में फर्क कहां है, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 2x की जगह बोलो क्या है क्वेश्चन में, 2x प्लस, क्या फर्क पड़ता है, एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, चल तो कॉस की डिग्री 1 ही रही है, पावर तो 1 ही है, कॉस ऑफ एंगल का आंसर क्या होता है, साइन ऑफ सेम एंगल, सेम एंगल, सेम एंगल, इसकी डिफरेंशिएशन 2 देगी और इसकी 0, आंसर सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डीएक्स, यही है ना। u by v का फॉर्मूला अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में u by v मैंने आपको करवाया ही नहीं है। तो आपके पास पावर रूल, पावर रूल तो ट्रिग्नोमेट्री देखते भूल ही जाओ, लग ही नहीं सकते, तो फिर और कोई इलाज नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही इलाज है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो और इसे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स, ये लो, आप इसे ऐसे कन्वर्ट करो, ठीक है। हम ब्रेक कर सकते हैं, कॉस एक्स को दोनों टर्म से हमने क्या कर लिया, डिवाइड। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स, कॉस बाय कॉस वन, ये लो आपकी इंटीग्रेशन इजी हो गई। तो टेन एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स, चेक करके बताओ क्या मैंने आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करवाया, क्या करवाया, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, बिल्कुल सही, सीधा लिख दिया और प्लस एक्स, मतलब आपने अपने इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूलास की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी है, जिसकी लिस्ट आपके हाथ में है। मैं उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाए फिर तो हो जाएगी, नहीं कर पाए नहीं होती, तो आपको आएगी आएगी भी नहीं इतने कॉम्प्लेक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहां तक कैसे करना है, ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, कितने लोगों ने किया इसे, हो गया, क्या किया, लॉग लगा दिया, अभी अभी कहा ट्रिग्नोमेट्री देखते लॉग नहीं लगाना। इसी क्वेश्चन को देखते हुए तो मैंने कॉपी चेक की दूसरे बैच में, और तभी तो मुझे पता लगा लोगों ने लॉग लगा के बैठे हैं, तो लॉग नहीं लग सकता। अब बोलो रैशनलाइज करेंगे, बिल्कुल सही, कोसेकेंट में कैसे करेंगे, 1 बाय साइन को ब्रेक नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स है, उल्टा है, ये ब्रेक नहीं होगा, नहीं हो सकता ब्रेक, आपने ऐसे किया 1, कैसे ब्रेक किया, वैसे ब्रेक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ब्रेक, कोई इलाज नहीं है। तो जितने जो लोग ऐसे कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स को, यू बाई वी का फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो मैंने बताया ना कई लोगों ने ऐसे किया लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री पे लॉग नहीं लगेगा, तो लॉग का फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, राइट। तो अब कोई इलाज नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब ये ब्रेक हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है ना, ब्रेक कर लिया इसमें, ठीक। या फिर 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस साइन बाय कॉस इज टैन, और 1 बाय कॉस की जगह सीकेंट, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं टैन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स, कोई डाउट इसमें, कॉस स्क्वायर को दो बार लिख लेना, डिनोमिनेटर में दो बार लिख लो, एक बार साइन बाय कॉस टैन दे देगा, और जो एक अकेला कॉस बन गया 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट, तो ये स्टेप और उस स्टेप में कोई फर्क नहीं, ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, तो cos square को दो बार लिख लेना डिनोमिनेटर में, sin by cos tan हो जाएगा, 1 by cos secant x, राइट। अब लिस्ट चेक करो फॉर्मूलास की, क्या मैंने आपको secant square का फॉर्मूला करवाया था, करवाया था, बोलो क्या, tan x, अगर फॉर्मूला मेरी तरह भूल गए कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लो, बताओ किसकी डिफरेंशिएशन करें कि आंसर secant square आ जाए, tan x, आंसर इज tan x। अब याद करने का ये बेस्ट तरीका है ना कि किसकी डिफरेंशिएशन करें कि आंसर secant square आ जाए, तो tan x, या फिर उल्टा याद कर लो secant square की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, माइनस किसकी डिफरेंशिएशन करूं कि tan x और secant x आ जाए, secant x की। तो अगर नहीं है तो प्लीज एक फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला शायद लिखवाना भूल गया मैं लास्ट टाइम, एक फॉर्मूले में एडिशन करो, secant x tan x dx की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला secant x, ये लो फॉर्मूला नोट,
ये फॉर्मूला शायद नोट नहीं करवाया था लास्ट टाइम, इसे नोट कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हालांकि ये इंटीग्रेशन आने का चांस बहुत ही ज्यादा कम, मतलब ना ना के बराबर, नहीं भी करवाता तो भी चलता, वैसे प्रैक्टिस के लिए करवा दी। अदरवाइज इतनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं होनी आपको जितनी मैंने करवाई है, सिर्फ इसलिए कि डेली रूटीन में आपको चीजें आसान लगे बस। ठीक, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है। तो इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और भी डाउट है इसमें? 13, ओके। में इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स, पहली बात टैन का फॉर्मूला तो आता है, टैन का स्क्वायर डिग्री 2 है ना, तो फिर ना पावर रूल चलेगा और टैन स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे नहीं आता। तो अब मुझे मैथ्स की हेल्प चाहिए होगी कि मैथ्स की हेल्प से कुछ ऐसा करूं कि फॉर्मूला उस फॉर्म में बन जाए जिसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है। तो किसी ने कहा अभी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, फिर फंस जाऊंगा, मुझे यू बाई वी का फॉर्मूला नहीं आता, मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके करूंगा क्या? ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, मैं एक स्क्वायर से दिक्कत में हूं, वो दो दो स्क्वायर इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं अच्छा सोल्यूशन नहीं। बोलो, नहीं, इसकी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, ये होती है। तो टैन स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके देखें। अगर मैं ये लगाता हूं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, कोई डाउट? लिस्ट चेक करो, सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला शायद मैंने करवाया था, चेक करना क्या था, टैन एक्स था, बात बन गई, आंसर आ गया। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये कैसे करना है? हाँ, कर सकते हैं, नहीं ये प्रैक्टिस ही है ना, मैथ तो प्रैक्टिस होती है ना, कि करके देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कैसे करना है। मतलब ये खुद क्लिक नहीं करेगा आपको, ये मैं क्लिक करवाऊंगा एक्सपीरियंस से। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक, सो इस असाइनमेंट के बाद अब एक लेवल की इंटीग्रेशन होती है खत्म। अब नेक्स्ट जो हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेज है इसकी, जो बहुत यूज होने वाली है आपकी आपके इस कोर्स में। उस इंटीग्रेशन का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिख सकते हो, ये इनडेफिनेट थी, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैं आपको दो क्वेश्चन पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप प्लीज अपने क्वेश्चन करना, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन करनी है, एक्स की पावर क्या है 1। डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर सबसे पहला डिफरेंस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहां पर बस इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा x2/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको दो नंबर यहां पे और यहां पे दिए होंगे, जैसे एक नंबर है 1, एक 2। आप कहेंगे सर हमेशा 1 एंड 2 गिवन होंगे, नहीं, देने वाले की मर्जी, -1, -2, -3, -4, -6 कुछ भी दे सकता है नंबर। इनको नंबर नहीं बोलते, इनको लिमिट्स बोलते हैं। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ये क्यों लगती है, इसका आंसर आपको कुछ दिनों में पता लगेगा।
लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको लगा के दूंगा। कुछ दिनों के बाद आपको ये खुद लगानी आ जाएगी कि कौन सा नंबर नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा। वो जब रियल टाइम प्रॉब्लम आएगी उसमें लिमिट्स खुद लगाएंगे हम। जैसे एक कार चल रही है, कहां से कहां चल रही है, विद एक्स कोऑर्डिनेट कवरिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर से लेके एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इनिशियल एक्स की वैल्यू क्या है 2, फाइनल एक्स की वैल्यू क्या है 10। तो कार कहां से कहां चल रही है, एक्स की वैल्यू 2 से 10, तो लिमिट पुट करेंगे 2 से 10। ऐसी रियल टाइम प्रॉब्लम में इनिशियल टाइम है, टाइम की लिमिट लगेगी। जैसे टाइम स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से और पूरी गाड़ी चली 10 सेकंड के लिए, तो टाइम की लिमिट लगेगी 0 से 10। वो क्वेश्चन के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे चलेगा। तो अभी लिमिट्स क्या लगेंगी ये तो बहुत लेटर स्टेज है, वो बाद में लगानी सिखाऊंगा कि आप कैसे लगाएंगे। अभी एक काम करते हैं, लिमिट में लगा के दूंगा, आप सिर्फ उसे सॉल्व करना सीखें कि सॉल्व करना कैसे है। सॉल्व करने के लिए कोई नई इंटीग्रेशन नहीं, वही पुरानी इंटीग्रेशन है। एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, डन, बिल्कुल वही सेम आंसर है। नंबर्स का क्या करना है, उन नंबर्स को उठा के यहां लिख देना है 1 एंड 2। कुछ नहीं किया, अंदर का काम तो सेम है, जो लिमिट्स है 1 एंड 2 उनको यहां रख दिया, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, एक्स इज अ वेरिएबल, इस वेरिएबल एक्स में एक बार अपर लिमिट पुट करो तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाय 2 एज इट इज। एक बार एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी 1, तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर बाय 2। और फिर जो भी आंसर आया उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब फाइनल आंसर आएगा 4/2 - 1/2 यानी कि 3/2। एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि जब फिक्स्ड आंसर आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ नहीं किया, अंदर बिल्कुल वही किया, नंबर लगाए, लिमिट्स लगाई, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट, एक्स की जगह एक बार लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर दिया। मैं फिर करके दिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स -1 से लेके -2, बोलो अंदर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक -1 से लेके -2। अब एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट, बोलो क्या आएगा -2 का क्यूब बाय 3, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट -1 का क्यूब बाय 3, और दोनों को क्या कर दिया माइनस। तो यहां पर क्या आएगा -8/3 - -1/3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया -7/3। क्या ये रूल क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, आप ये लिखो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक, यहां तक क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स फ्रॉम -2 to -4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 4 डीएक्स 1 से लेके 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स -1 से लेके -2।
माइनस टू से माइनस देखो जो पहला क्वेश्चन है आपने ऐसे किया x रेस टू पावर 4 बाय 4 किया और लिमिट्स राइट साइड पे क्या लगाई माइनस टू से लेके माइनस फोर लगाई कोई डाउट इसमें क्लियर है लिमिट पुट करें माइनस फोर एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस फोर रेस टू पावर 4 बाय 4 और एक बार x की जगह लोअर लिमिट माइनस टू रेस टू पावर 4 बाय 4 और दोनों को क्या कर देना है माइनस ऐसे किया तो आपने 4 रेज टू पावर 4 क्या लिखा 256 पॉजिटिव बाय 4 माइनस इसमें क्या लिखा 16 डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे सॉल्व आंसर कोई डाउट इसमें तो डेफिनेट आंसर आया उसी तरीके से इसमें क्या लिखा x रेज टू पावर 5 बाय 5 लिखा और कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक ये भी क्लियर है यहां तक एक बार x की जगह अपर लिमिट एक बार x की जगह लोअर लिमिट माइनस किया 32 5 1 5 31 5 को डाउट इसमें मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है तो कुछ भी तो नहीं है एंड में नंबर ही तो पुट करने हैं बस तो ठीक सबका आ गया यहां तक नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x square plus x dx कहां से कहां तक minus 1 से लेके minus 2 तक normal integration के हिसाब से इसको break करना पड़ेगा x square को and x को कहां से कहां तक minus 1 से लेके minus 2 minus 1 से लेके minus 2 ऐसा किया break किया और with numbers break करना है जो limits हैं वो साथ चलेंगे integration के कोई डाउट इसमें बता रहा हूं दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए ना लेफ्ट वाला अलग राइट वाला उसको अलग करेंगे उसको अलग करेंगे जैसे x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 1 से लेके माइनस 2 और इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 से लेके माइनस 2 ऐसे किया अंदर की इंटीग्रेशन तो करनी आती है तो पावर करके पावर से डिवाइड कर दिया कोई डाउट इसमें इसकी पावर 1 है ना तो x square by 2 ठीक है यहां तक और फिर एंड में लिमिट पुट करने जा रहा हूं प्लीज लिमिट में एक बार x की जगह अपर लिमिट यानी कि minus 2 का क्यूब by 3 एक बार लोअर लिमिट minus 1 का क्यूब by 3 और दोनों को क्या करना है minus x की जगह minus 2 एक बार x की जगह minus 1 दोनों को minus फिर इसके लिए भी एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 एक बार x की जगह लोअर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 कोई डाउट इसमें देखो वो अलग है ये अलग है ये वो अलग बात है लिमिट तो दिखाऊंगा ना कंफ्यूजन हो जाएगी एक बार x की जगह माइनस 2 समझ में क्लियर है यहां तक
एक बार एक्स की जगह माइनस टू, एक बार एक्स की जगह माइनस वन, एक बार एक्स की जगह माइनस टू, एक बार एक्स की जगह माइनस वन, ठीक। अब न्यूमेरिकली करेंगे इसे, माइनस एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, और यहां पर फोर बाई टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस एट बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस फोर बाई टू माइनस वन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेवन बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। सॉल्व कर लेना आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक आइडिया हो गया कि कैसे करना है। देख लो क्लियर है, देख लो चेक। ठीक है, नहीं वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग है ना। अच्छा एंड में ऐसे किया, अलग अलग कर लो ना इसे, हो भी सकता है वैसे, हाँ सेम आएगा, कर सकते हैं वैसे, कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, अलग अलग ही कर लो तो भी ठीक है। क्या स्टेप्स क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना प्लीज। एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन माइनस वन से माइनस टू, अभी करके दिखाई थी मैंने, और इसका आंसर था एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन से लेके माइनस टू, यही था। फिर मैं क्या करता था, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करता था, एक बार एक्स की जगह मैं लोअर लिमिट पुट करता था, दोनों को माइनस, ठीक, और मेरा आंसर आया था माइनस एट बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री, ये था आंसर। मैं इसे सेम क्वेश्चन को ध्यान से यहां तक स्टेप एकदम सेम, जब मैं लिमिट पुट करने लगा हूं ना, तो मैं इस वन बाई थ्री को दो बार लिख रहा हूं, तो बेटर है कि ये कांस्टेंट है ना इस ब्रैकेट का, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एक्स क्यूब बस, तो वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करें, माइनस टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब, वन बाई थ्री माइनस एट प्लस वन, आंसर वही आएगा माइनस सेवन बाई थ्री, चलेगा। पॉइंट समझ में, वो भी ठीक है, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल है आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो थ्री थ्री की कैलकुलेशन में दो बार गड़बड़ ना कर देना, तो कांस्टेंट को बाहर ही निकाल लो, सिर्फ एक्स वाली टर्म को अंदर करके उसमें लिमिट पुट कर लेना। बाकी अगर आपको नहीं पसंद, फर्स्ट मेथड पसंद है, फर्स्ट कर लो। जैसे सपोज, मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस वन से लेके माइनस टू, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x की पावर माइनस टू dx लेके करेंगे माइनस वन से लेके माइनस टू, कोई डाउट इसमें? या फिर माइनस वन से लेके माइनस टू, अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बोलो, x की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, वन पावर बढ़ाएंगे माइनस टू प्लस वन माइनस वन देगा, कहां से कहां तक, माइनस वन से लेके माइनस टू, कोई डाउट इसमें? क्लियर है, x की पावर माइनस टू, एक पावर बढ़ाओ माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, पावर से डिवाइड कर दिया, क्लियर यहां तक? तो अब पहला तरीका ये आप लोगों का कि आप x की जगह, ये तो आप कर ही लोगे, x की पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है, वन बाय एक्स, माइनस माइनस आ गया, x की पावर माइनस वन का मतलब वन बाय एक्स, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक माइनस वन से लेके माइनस टू, फिर आप ऐसे पुट करने की कोशिश करोगे माइनस वन डिवाइडेड बाय एक बार अपर लिमिट, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट एज इट इज फर्स्ट टर्म माइनस, इसी टर्म में एक बार लोअर लिमिट माइनस वन, ठीक, स्टेप समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, माइनस का माइनस,
एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, वन बाय एक्स, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, ये ऐसे चलेगा, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, ये ऐसे, और फिर इन्हें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फायदा हो, देखो मैंने कहा x की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन x की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस वन का तो माइनस लगा लिया, एक ही बात है, x की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स, यहां तक स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं करना, x की जगह एक बार माइनस टू, x की जगह एक बार माइनस वन, तो जब मैंने इस x की जगह माइनस टू पुट करना है तो यह आ जाएगा माइनस टू, और एक बार x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और फिर ये सॉल्व कर लेंगे। मैं ये इसलिए स्टेप कर रहा हूं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे की बजाय ना ऐसे करना पसंद करूंगा, मैं फिर से करना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन से लेके माइनस टू में, यहां तक तो ये स्टेप माइनस टू है, सॉरी, यहां तक तो ये स्टेप एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन से माइनस टू, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि माइनस वन बार बार क्यों लिख रहे हो, बेटर है कि ये माइनस वन को बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर माइनस वन, माइनस वन बाहर आ ब्रैकेट के, क्या करना है आपको, अंदर रख के लिख लिया, माइनस बाहर रखो, इसको लिख लो वन बाय एक्स, माइनस वन से माइनस टू, सही है, क्योंकि एक्स की पावर माइनस वन क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स, अब आसान हो गया ना, माइनस को बाहर ही रखो, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, माइनस टू, एक बार x की जगह लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, माइनस वन, अब इन्हें माइनस कर लो आंसर, मतलब मेरे को ये बेटर लगता है कि ये माइनस वाली जो टर्म है ना इसको बाहर कॉमन निकाल लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक, मुझे लगता है करके पता लगेगा, अब अपने हाथ से करोगे ना तो बेटर फील करोगे, आप प्लीज एक क्वेश्चन लिखो और प्लीज सॉल्व करो। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब, नहीं 1 बाय एक्स क्यूब चलो डी एक्स माइनस वन से लेके माइनस टू, ठीक, इसे एक बार करके देखो और आंसर वेरीफाई करो, खुद अपने हाथ से करो, मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि मैक्सिमम माइनस देख सको आप, क्योंकि माइनस 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 आ जाएगा ना थोड़ी देर में, ऊपर लेके जाओगे तो बेटर है माइनस वन को बाहर ले लेना जब करोगे। क्या आंसर आया इसका, कितना, 3/2, कितने होगा 3/2, अच्छा 3/8, 3/8, चलो फिर करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स माइनस वन से लेके माइनस टू किया, एक्स की पावर माइनस टू बाय माइनस टू, क्योंकि माइनस थ्री प्लस वन क्या देगा, माइनस टू, बाय माइनस टू इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, माइनस थ्री में प्लस वन करेंगे तो माइनस टू आएगा, कहां से कहां तक, माइनस वन से लेके माइनस टू। मैं कह रहा था कि माइनस टू का क्या करोगे ब्रैकेट में लेके, इसको बाहर निकालो, माइनस हाफ है, वन बाय माइनस टू का मतलब माइनस हाफ, और एक काम करें, एक्स की पावर माइनस टू का मतलब होता है वन बाय एक्स का स्क्वायर, क्या ये स्टेप क्लियर है, तो
तो x की पावर माइनस टू का मतलब वन बाय एक्स स्क्वायर। अब लिमिट पुट करते हैं, माइनस हाफ को बाहर रहने दो, x की जगह एक बार पुट करते हैं माइनस टू का स्क्वायर, और x की जगह एक बार पुट करते हैं माइनस वन का स्क्वायर, और दोनों को क्या कर देते हैं माइनस। क्लियर यहां तक? एक बार x की जगह माइनस टू, एक बार x की जगह माइनस वन, ये ना, तो माइनस वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा वन बाय फोर, ये क्या हो जाएगा वन बाय वन, राइट। तो ये क्या आएगा माइनस हाफ, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस थ्री बाय फोर, तो कितना आएगा थ्री बाय एट। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बेसिक रूल लिमिट पता लग गया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, बस ये बताना है। तो अब जैसा चल रहा है क्वेश्चन, चलने दो इंटीग्रेशन का, एंड में बस लिमिट देनी है। कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको, चलो ये तो एक जस्ट अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तीन क्वेश्चन देता हूं या करवाता हूं, जिसके बेस पे जैसे हमारी फिजिक्स चलेगी नॉर्मल डेज में और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका आइडिया आपको हो जाएगा। तो मैं आपको चार पांच क्वेश्चन करवाने वाला हूं रादर, जो टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और आपकी थ्योरी के अंदर आपको आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। उनमें से पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी U से लेके V। आप कहोगे नंबर कहां है वन और टू, आपकी क्या है ठीक है, लिमिट मैंने दी ना, आपने कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेशन जैसे करना चाहते हो करो, एंड में अपर लोअर पुट कर देना, तो जो भी आंसर आएगा, अगर मैं लिमिट U और V देता हूं तो U और V की फॉर्म में निकाल दो, अगर मैं वन और टू देता हूं तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा कोई, तो जरूरी नहीं है कि वन और टू ही मिलेगा आपको। एक कार चल रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जिसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो मैं u और v में चाहता हूं अपना आंसर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? वन और टू में नहीं चाहता, मैं कार की स्पीड नहीं देना चाहता, u और v देना चाहते हो, मेरा आंसर u और v में निकाल दो। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बताओ। कितने लोगों को समझ में आ गया v स्क्वायर बाय टू? देखो ध्यान से, आपको ना अब x देखने की आदत पड़ चुकी है, आपकी आंखों में x दिखता है, x जल्दी समझ में आता है कि अगर ये x है, इसकी पावर 1 है, तो x square by 2, right? आपको y भी जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमारा जो हमें आदत है ना शुरू से पढ़ने में, x और y दो ही वेरिएबल होते हैं, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो y square by 2, को डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? क्या फर्क पड़ता है अगर ये x dx है तो x square by 2, अगर ये y dy है y square by 2। एक बोलने लगा सर x इज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, अब मैंने कहा x कांस्टेंट कैसे? वो कह रहा है क्योंकि दो टर्म्स हैं, फिर मैंने कहा पूरी इंटीग्रेशन में क्या किया, फिर तो हर टर्म में x square की दी तो x square को बाहर निकाल देगा, x को दूंगा x, तो रह गया जाएगा 1dx, 1dx में हमेशा आंसर एंड में x नहीं। अगर इंटीग्रेशन कहता फिर पता कैसे लगेगा कि कोई कांस्टेंट है कि नहीं, तो उसका ये तरीका है, अगर आपकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी कि एक्स इज चेंजिंग, आप स्मॉल इंटरवल dx ले रहे हो, तो एक्स इज अ वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन अगर एक्स की चल रही है तो एक्स कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ऐसी वाई डी वाई में वाई कभी नहीं होगा, टी डी टी में टी कभी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो जो भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चल रही है ना उसका जो ये कभी कांस्टेंट नहीं हो सकते, ये वेरिएबल ही माने जाते हैं, इन्हीं की तो इंटीग्रेशन करनी है, सेम फैमिली के है ना x और x, y और y, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो उसी तरीके से अगर आपको x और y समझ में आ गया, तो ये v की फैमिली चल रही है, v की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो ऑब्वियसली इसकी पावर क्या है 1, तो क्या आंसर आएगा v स्क्वायर बाय 2। ये स्टेप क्लियर है? अब कोई स्टूडेंट कहता सर लिमिट नंबर नहीं है, तो ना वो नंबर, फिर कहता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने बोला था नंबर आएगा, देखो डेफिनेट का मतलब नंबर आएगा ये नहीं बोला था, डेफिनेट का मतलब कि जो भी आपको लिमिट दी जाएगी उसकी फॉर्म में ही आंसर आएगा, तो अगर कोई आपको लिमिट नंबर देता नंबर लगाओ, नहीं देता तो मत दे, यू आर वी लगा दो। उसके बाद वो कहता क्या करना, मैंने कहा करना क्या, ये वेरिएबल चल रहा था इसकी जगह एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, वो कह रहा वी में वी पुट कर दे, तो तुम्हारी क्या हेडेक है, पुट कर दो, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तुमने ये दिमाग नहीं लगाना आगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, कुछ नहीं, वो एंड में बताऊंगा क्या करना है।
आपने ये देखना है कि v वेरिएबल चल रहा है, एक बार v की जगह अपर लिमिट, तो v की जगह v पुट करेंगे तो v तो आएगा, और एक बार v की जगह लोअर लिमिट, तो v की जगह u पुट करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। पॉइंट समझ में आया? तो ये जरूरी नहीं कि नंबर 1 2 3 4 की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आए, तो आंसर आ गया v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। कुछ फीलिंग आ रही होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s जैसा मिल रहा है, और जब मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा ना आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, उसमें ये स्टेप लगेगा बीच में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ कैलकुलस से करवाऊंगा, आप छोटी क्लास में ग्राफ से करके आए हो, वो ट्रेपेजियम बना बना के करते हो या ट्रायंगल बना के करते हो ना प्रूफ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2, कभी 9th में किए होंगे, 10th में नहीं किए होंगे, किए जरूर होंगे। तो हम लोग ग्राफ से नहीं, ग्राफ से तो करेंगे करेंगे, हम लोग कैलकुलस से ज्यादा करेंगे। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मतलब रियल टाइम प्रॉब्लम है कि ऐसा कुछ बीच में आने वाला है, पर क्योंकि आपको कैलकुलस आता होगा, इंटीग्रेशन पे होल्ड होगा, तो आपको इसमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप अपने आप ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तभी कह रहा हूं 50% काम तो आपका कैलकुलस ही ठीक कर देगा। जैसे मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं, अगर आपने ये प्रॉब्लम कर दी तो मतलब ठीक है, आप पास हो और आप इंटीग्रेशन में फंस नहीं सकते कभी भी, मतलब ये रूटीन का काम होगा, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं कहूंगा, बट हाँ कम भी नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे आपको। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी एम वन एम टू बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम इंफिनिटी से कैपिटल आर, वेयर जी एम वन एम टू ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ट्राई करना चाहते हो तो करना, ऐसी वैल्यूज, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, ऐसी करो स्टेप बाय स्टेप, आगे मत सोचो देखने में क्या मर्जी तुम्हें, क्या फिर कोई स्टूडेंट बोला दूसरे बैच में सर तुम्हें जो भी गिवन एंड में उठा के पुट कर देना एक्स की जगह, करो स्टार्ट, अपना आंसर आ जाएगा। वन बाई इंफिनिटी जीरो होता है। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप आपने ये किया, जी एम वन एम टू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी से कैपिटल आर, कोई डाउट इसमें? ठीक, जी एम वन इंटू एम टू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर, कोई डाउट इसमें? जी एम वन इंटू एम टू इसकी इंटीग्रेशन x की पावर माइनस वन बाय माइनस वन इंफिनिटी से आर, कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? ऐसे होगा ना, पावर बढ़ गई माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। नेक्स्ट है, मैंने बताया था माइनस वन को अंदर रखे क्या करोगे, बाहर निकालो कॉमन, तो माइनस जी एम वन एम टू और x की पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है, वन बाय एक्स इंफिनिटी से आर, कोई डाउट इसमें? x की पावर माइनस वन का मतलब वन बाय एक्स कर लें, ये भी क्लियर है? अब लिमिट पुट करते हैं, माइनस जी एम वन एम टू, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, ये टर्म आएगी, ठीक, और वन बाय इंफिनिटी मैथ्स में क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय, ऐसे आंसर, ऐसे फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको फिजिक्स में। और ये थ्योरी है जो स्कूल में आता है ना कि प्रूव करके दिखाओ कोई एक्सप्रेशन, ऐसी चीज, ये लैंग्वेज है, ऐसे चलेगा। पर मैं फिर कह रहा हूं, पहला स्टेप बनाना सिर्फ 2 मिनट का काम रहेगा मेरे लिए, सिर्फ 2 मिनट का,
और बाकी मुझे कुछ नहीं करना होगा, वो जो लोग 2 मिनट लगाएंगे मैं वो भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप अपने आप ही वो स्टेप्स खुद ड्राइव करेंगे, इसीलिए यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, बहुत लोगों के क्लासेज में कोई वैक्टर करवाता है, अगर आप आसपास पूछो क्या चल रहा है, कोई वेक्टर करवा रहा है, कोई मोशन करवा रहा है, कोई यूनिट्स करवा रहा है, कोई एरर्स करवा रहा है, पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं, पर मैंने आपको आज भी कह दिया और मैंने आप द्वारा कह रहा हूँ, आप सिर्फ 2-3 महीने रुको और फिर देखो गेम चेंज कैसे होती है, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपको बड़ी चीज़ों को पिक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो यहाँ उलझेंगे, हम नहीं यहाँ उलझेंगे, हम यहाँ से बाहर से आ जाएंगे। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये प्लस टू का, ये क्वेश्चन करने के बाद बिलीव मी, अगर आप मेरा प्लस टू का लेक्चर भी लगा लोगे ना रिकॉर्डिंग में जो इस साल स्टार्ट हुआ, आपको प्लस टू के लेक्चर भी समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आ गई। तो क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट का, क्वेश्चन है जो असाइनमेंट चल रही है 3 नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, थर्ड असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 मैं लिख देता हूं, अगर असाइनमेंट नहीं है तो यहां से देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 q1 q2 / r² dr r1 से लेके r2, इस सिंबल का नाम सुन लो, ये जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन है epsilon epsilon, और नॉट तो चलो वैक्यूम के लिए लगाते हैं, मीडियम वैक्यूम है, आपको लेना देना नहीं है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, Q1 Q2 एंड दिस सिंबल ऑल आर कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट से मतलब बाहर निकाल लो बस। तो ये प्लस टू की लैंग्वेज है, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो अब प्लस टू के अंदर ये एक्सप्रेशन यूज हो रहा है तो सोचो आप ठीक ठाक कर चुके हो, बाय कॉन्स्टेंट है 4π, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, पाई तो हमेशा ही कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। हाँ हाँ क्यों कांस्टेंट है, कूलम लॉ सुना है आपने, कूलम लॉ, कूलम लॉ चार्जेस को लेके, कि कूलम ने ही बताया था ना कि 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स से करते हैं, कि कूलम लॉ है, बेसिक कूलम लॉ से आया है, कोई बात नहीं प्लस टू में कर लेंगे। देखो तो इसको 1/4πε0 Q1 Q2 बाहर आ गया, कोई कहे R को बाहर ले लूं, नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू R है, तो R वेरिएबल है, ये बाहर नहीं आएगा, इसी की तो इंटीग्रेशन करनी है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ R की पावर -2 dr R1 से लेके R2 1/4πε0 Q1 into Q2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये इसकी इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, पावर बढ़ गई, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -1/4πε0 Q1 Q2, तो R की पावर माइनस लिख सकते हैं 1/r, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, -1/4πε0 Q1 Q2, एक बार स्मॉल r की जगह अपर लिमिट, एक बार स्मॉल r की जगह लोअर लिमिट, माइनस करो आंसर, कितने लोगों का ठीक हो गया, बस ठीक, मेरी तरफ से इंटीग्रेशन में पास हो, बस अब कभी नहीं फंस सकते। ठीक है यहां तक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं पास ऐसे नहीं हो, टेस्ट में प्रूव तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, पर समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, लॉग क्यों नहीं लगाया, इसमें लॉग का मतलब, अच्छा हाँ लॉग में दूं, कर लो, ये कह रहे लॉग वाला एक क्वेश्चन दे दो, है कि नहीं, लॉग वाला ले लो, नहीं है तो बन जाएगा, ये लो
बना देते हैं, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स 1 से 2, लो बन गया ठीक, या और कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 7x माइनस 1 ही कर देते हैं 1 से 2, ये क्वेश्चन करो विद लिमिट, इंटीग्रेशन नॉर्मल करें इसके अंदर की क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 7x माइनस 1, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 ठीक है, तो यहां पर लॉग ऑफ 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक ठीक, यहां तक कर लिया, 1 बाय 7 को पहले तो बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है, लॉग ऑफ 7x माइनस 1 वहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से तो बाहर निकाल दो, लास्ट स्टेप है 1 बाय 7 एक बार x की जगह अपर लिमिट, तो log ऑफ 7 इंटू 2 माइनस 1 और एक बार log की जगह लोअर लिमिट 2 इंटू 1 माइनस 1 और दोनों को क्या कर दिया माइनस, एक बार देखो x की जगह, एक बार x की जगह 2 पुट किया तो 7 इंटू 2, 1 पुट किया तो 7 इंटू 1, दोनों को माइनस, ये हाँ ओ 7 है सॉरी, हाँ 7 इंटू 1 सॉरी, अब ठीक है, यहां तक 7 इंटू 2 7 इंटू 1 पर 1 बाय 7 लॉग ऑफ बोलो 14 माइनस 1 कितना, माइनस लॉग ऑफ कितना 6 ठीक हो गया, लॉग की एक प्रॉपर्टी की थी हमने, वो क्या प्रॉपर्टी की थी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन, तो ऐसा कर सकते हो 13 डिवाइडेड आंसर, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी की प्रॉपर्टी याद है तो आंसर, ये तक छोड़ दो लॉग में कोई दिक्कत नहीं, लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब मैंने खुद बना है आपको जरूरत नहीं है, मैं तो उसे पूछा तो बता दिया, पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन कोई डाउट इसमें ठीक। अब मैं आपको दो रियल टाइम प्रॉब्लम और बताता हूं जो मोशन के अंदर चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है, ताकि अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन का और आइडिया आपको पता लगे हमने क्यों किए ठीक, तो याद तक क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक बार मैं करूंगा प्रॉब्लम और दूसरी बार फिर मैं आपको दूंगा करने के लिए, लेकिन ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्स गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 सपोज, मान लो ये गिवन है ठीक, ये मिटा दूं, सो आपको x की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको टाइम के साथ चेंज हो रही है और ये वैल्यू आपको ऐसे गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है, तो बताओ वेलोसिटी x से कैसे निकलती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या dx बाय, ऑब्वियसली आप इसे डिफरेंशिएट करोगे x को तो अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था, v इज इक्वल टू dx बाय dt, x की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे d बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 सपोज ये रहा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस, डिफरेंशिएट करोगे आंसर आएगा, तो यानी कि अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी टाइम के साथ, कोई डाउट इसमें क्लियर है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी करवाया था मैंने, आप इस v की वैल्यू को जरा यहां पुट करो तो डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 1,
इसे अगर ओपन करोगे तो टू कॉन्स्टेंट आएगा, डी टी बाई डी टी वन, तो आंसर क्या जाएगा, सिर्फ टू। को डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर आपको एक्स गिवन है और आपको ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करके निकलेगी वेलोसिटी, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन। ये स्टेप को क्लियर है? ठीक, हम क्या करने वाले हैं, उल्टा काम है, ये तो आपको तय करना, हमने पहले भी किया और फिर से कर रहे हैं। अब उल्टा काम है, मैं आपको क्या दूंगा, ए। तो क्वेश्चन है, गिवन गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, सपोज फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मतलब उल्टा, ए गिवन है और क्या निकालना है, वी, और फिर क्या निकालना है, एक्स, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे है। तो याद रखना, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वी आएगा, वी को डिफरेंशिएट करोगे तो ए आएगा। ये एग्जांपल आपको बहुत क्लियर दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको साथ में करके दिखाया है। उल्टा काम, अगर ए गिवन है और ए से एक्स पे जाना है तो याद रखना ए को क्या करेंगे, इंटीग्रेट तो वी आएगा, और वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। उल्टा भी ट्रू है। ये एग्जांपल आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहां न्यूमेरिकल नहीं चल रहा, तो मैं आपको ये वाला रोल समझ में आ गया ना, एक्स से वी और वी से ए। अब मैं उल्टा करके दिखाता हूं, गिवन ए, पहले देखना है, फिर सेकेंड टाइम करेंगे, टी स्क्वायर प्लस वन, मुझे क्या निकालना है, वी। एक्सेलरेशन होती क्या है, डी वी बाय डी टी, ए की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू वॉट, टी स्क्वायर प्लस वन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है, बिकॉज एक्सेलरेशन होती क्या है, डी वी बाय डी टी। अब ध्यान से देखना, लिखने के लिए आराम से है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आप इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है ऐसे, तो आप डी टी को राइट साइड पे ले आओगे। इसका मतलब ये हुआ, यू हैव कैलकुलेटेड स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम डी टी, पर आपको तो टोटल चेंज निकालना है वी। तो याद रखना, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल था, जब एक इक्वेशन गिवन होती है आप दोनों तरफ की डिफरेंशिएशन अलाउड है, आप लेफ्ट की करते हो, आप राइट की भी कर देते हो, अलाउड है। इंटीग्रेशन में भी सेम रूल है, अगर एक इक्वेशन गिवन है इक्वल टू वाली और यहां पर स्मॉल वैल्यूज चल रही हैं और आप टोटल वैल्यू निकालना चाहते हो डीवी से वी, आप एक तरफ की नहीं, आप दोनों तरफ की इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये अलाउड है। तो आपने दोनों तरफ की इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि आपको मालूम है वन डीवी की वैल्यू क्या होती है, वी। तो वन डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डीटी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डीटी, ये आंसर क्या आएगा, वन डीएक्स एक्स होता है, वन डीवी वी होता है, यहां पे क्या आएगा टी क्यूब बाई थ्री, और यहां पर क्या आएगा टी। तो आपके पास देखो क्या निकला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझ में आया कैसे किया, ए से वी कैसे निकलेगा समझ में आया। फिर एक स्टेप और देखो, आपको एक्स निकालना है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी, वो ऐसे लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डी एक्स विल बी इक्वल टू t क्यूब बाय थ्री प्लस टी इंटू कितना dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, स्मॉल चेंज इन x आ गया स्मॉल टाइम t में, टोटल चेंज के लिए दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ये लो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, अलाउड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब बाय थ्री, थ्री रादर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt, 1 dx की इंटीग्रेशन x, t क्यूब की क्या t 4 बाय 4 और इसकी कितनी t स्क्वायर बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई t रेज टू पावर 4 बाय 12 प्लस t स्क्वायर बाय, देखो तो आपने क्या किया, आपको a गिवन था, आपने इंटीग्रेट किया v आया, आपने v को इंटीग्रेट किया x आया। तो रिपीट कर रहा हूं, गिवन होगा a को लिखें dv बाय dt मल्टीप्लाई इंटीग्रेट उस तरफ को v आ जाएगा अपने आप, फिर v से x जाने में v को लिखें dx by dt क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट x आ जाएगा। क्लियर, ये अब लिख सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार x से a जाने का और दूसरी बार a से x पे आने का, अब मेथड एक बार लिखो तो क्लियर होगा लिखते लिखते। ठीक, इसको
इसको यूज मोशन में करेंगे कैसे निकलेगा ये मोशन चैप्टर के अंदर आएगा अभी सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे इंटीग्रेशन हेल्प करेगी आपको वैल्यूज को ए और वी में चेंज करने में वही क्वेश्चन कराने लगा हूं वही करवाने लगा हूं तेरा असाइनमेंट का ताकि डाउट ना है ठीक चले आगे ओके सवाल में क्लियर सपोज क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू If x is equal to t cube, find instantaneous acceleration at time t is equal to 1 second. And dusra question, if acceleration is equal to t square, find instantaneous displacement. That is x at time t is equal to 1 second. तो क्वेश्चन है पहले यहां से शुरू करते हैं फिर वहां चलते हैं तो इसमें x गिवन है और क्या निकलेगा a तो क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और a से x जाने के लिए इंटीग्रेशन
तो यहां से शुरू करो, पहले वेलोसिटी निकालो डिफरेंशिएट करके और फिर एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन आएगा टाइम की फॉर्म में उसमें एंड में टाइम को क्या पुट करना है, वन, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। उसने कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइम में नहीं चाहिए, टाइम को एंड में क्या पुट करना है, वन। देखो ये एक्स, ठीक है, एक्स से ए निकाल लोगे कैसे, अभी बताया था अगर एक्स से ए पे जाना है तो पहले वी, वी आएगा फिर ए, और क्या करनी पड़ेगी इसकी दो बार, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले एक्स है से बी पे जाने के लिए ये फॉर्मूला, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो तो डी बाय डी टी ऑफ टी का क्यूब, तो वी इज इक्वल टू व्हाट, थ्री टी। कई लोग क्या करते हैं जल्दी में टाइम को यहीं पर वन पुट कर देंगे और फिर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, भाई जब टाइम को यहीं वन पुट कर दिया उसकी तो वैल्यू आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और कांस्टेंट वैल्यू आ गई और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन फर्दर जीरो, तो नहीं करना। उसने एक्सेलरेशन पूछी तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार फिर से डी वी बाय डी टी, तो डी बाय डी टी ऑफ वी की जगह थ्री टी स्क्वायर, थ्री इज अ कांस्टेंट तो टू टी कितना आएगा, सिक्स टी, तो एक्सेलरेशन 60 आ गई, पर उसने पूछा टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ, तो एक्सेलरेशन इज 6 इनटू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी 1 सेकंड पर, 6 आएगी। कोई डाउट इसमें, वैल्यू पूछ रहे तो वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर है यहां तक। तो x को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे a आएगा, यहां तक ये स्टेप समझ में आ रहा है, हां जी ठीक है यहां तक क्लियर है। सेकंड पार्ट खुद करो एक बार और निकाल लो x, और जो एंड में आंसर आएगा उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देना बार, x कितना आ रहा है 1.1 1/12, और t की फॉर्म में क्या आ रहा है देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या गिवन है, टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन होती क्या है, डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो डीवी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर इनटू डीटी, समझे ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों तरफ की, टी स्क्वायर डीटी, तो 1 डीवी की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वी और इसका फॉर्मूला टी क्यूब बाय 3, क्लियर है यहां तक। तो वी की वैल्यू आ गई टी क्यूब बाय 3, फिर उसके बाद v की वैल्यू इज t क्यूब बाय 3, v क्या होता है dx बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3, तो dx इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3 इनटू dt, ये स्टेप क्लियर है। और फिर दोनों तरफ की इंटीग्रेशन करेंगे, ये x आएगा 1/3 कांस्टेंट है और t 4/4, तो x इज इक्वल टू t रेज टू पावर 4/12, ठीक। लेकिन उसने एंड में क्या कहा कि एक्सेलरेशन निकालो लेकिन एट टाइम टी इज इक्वल टू 1, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 इज टू पावर 4/12, दैट इज 1/12 मीटर, इज आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि अब ये मोशन जब चैप्टर आएगा उसमें क्या यूज होने वाला है, ऐसा कुछ यूज होगा। तो टर्म समझ में आ रही है, और ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो बस यही तरीका है फिजिक्स को करने का कि आप अपना कैलकुलस बहुत अच्छा रखें, आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, सिर्फ करवाना नहीं दिखाना चाहता हूं, मेरी तरफ से नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस है जहां u upon v चलता नहीं पर हमें लगाना पड़ता है, वहां मैथ के टीचर क्या करवाते हैं प्लस टू में कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है,
एक सैंपल दिखाना चाहता हूं, रिक्वायर्ड नहीं है ना मेंस में, ना नीट में, ना एनसीईआरटी में, एडवांस में हो सकता है रिक्वायर्ड हो, बट एडवांस पहुंचते पहुंचते प्लस टू के टीचर मैथ्स वाले स्टूडेंट को उतना कैलकुलस करवा देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उनको आ जाता है। मैं सिर्फ एक बार दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में मैथ्स वाले करते क्या हैं, कि अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक, तो एक इंटीग्रेशन वो आपको करवाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वैसे ही दिखा रहा हूं, बुक्स के अंदर भी नहीं गिवन होती है, और आपको करवाई जाएगी नॉन मेडिकल वालों को स्पेशली। मेडिकल वाले तो आराम से रिलैक्स करें, उनको तो दूर दूर तक बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी पेपर में नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करके एक वर्ड है जिससे वो इंटीग्रेशन को इजी करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये लो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप जोर लगा लो, आज के जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए इंटीग्रेशन, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू बाई वी आता नहीं, सिंपलीफाई ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पावर रूल कहीं चलेगा, पावर एक, हाँ नहीं कर सकते, मैं तो बोल रहा हूं नहीं चल सकता, मैं हार गया, मतलब है ये बोलना चाहता हूं कि मैं नहीं कर सकता। मैथ्स के टीचर्स को ऐसे करते हैं, वो इसको आसान बना लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई, तो वो क्या करेंगे, 4x क्यूब dx डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे y। अब आप सोचोगे तो और भी प्रॉब्लम है, पहले x वेरिएबल है, अब वहां पर दो दो वेरिएबल है, x भी और y भी, तो वो क्या करते हैं कि ये जो आपने एज्यूम किया या सपोज किया, दोनों तरफ से इसे ना डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ ऐसे अलाउड है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो और इसकी क्या होगी, 4x क्यूब इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dy। तो यहां ये वैल्यू देख रहे हो, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे dy। ठीक, इंटीग्रेशन बहुत छोटी हो गई और अपने मतलब की हो गई, 1 बाय x dx log x होता है, 1 बाय y dy log y होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। फिर वो ये कहेंगे कि y की वैल्यू तो आपने खुद एज्यूम की, मेरे को मेरा आंसर x में चाहिए, तो आपने y क्या एज्यूम किया था, 1 plus x raised to power आंसर। तो ये हाँ, मतलब जहां फंस जाते हैं कॉम्प्लेक्स, वहां बस तोड़ निकालते हैं, सिर्फ यही तोड़ नहीं निकालते, उसमें और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वाले तो डेढ़ दो महीने लगाएंगे यही कुछ करेंगे, वो ये थोड़ा सिखाएंगे जो मैंने सिखाई है, वो तो दो आधे घंटे में खत्म कर देंगे, उसके बाद वो ये सिखाएंगे, यहाँ टाइम लगता है उनको, तो इसको करने में उनको एक महीना लग जाएगा सिखाने में कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को क्या तोड़ करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी वो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करते हैं कि किसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाए, एक्स की जगह एज्यूम कर लेंगे साइन थीटा, तो वो रिड्यूस होके कैंसिल, साइन कॉस कैंसिल करके छोटा सा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। लंबी कहानी है, मेडिकल में आराम से रिलैक्स करें, मेरी तरफ से ना लिखे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपने सुना ही नहीं कुछ भी, जरूर सुन लें, क्योंकि मुझे पता नहीं यार उनको किस जर्नी में कभी काम आ जाए। मेंस तक नॉट रिक्वायर्ड, एनसीईआरटी स्कूल तक बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड। किसी दिन एडवांस का अगर मन करे कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और मैं करना, ओविल सर कोई करना चाहता है, और फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल बीच में आ जाए जिसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होगी, वहां वो स्टेप आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल से, नया नहीं लगेगा कि उसने क्या कर दिया। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, जब रिक्वायर्ड होगा मैं खुद ही आपको करवाऊंगा उस टाइम, तो अभी अभी के लिए लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं है, मेरी तरफ से इंटीग्रेशन हो जाती है क्लोज। ठीक, तो समझ में आ गया यहां तक, नहीं हाँ बट डन, ये नहीं करो मेरी तरफ से तो भी चलेगा, वैसे ही बताया है नॉलेज के लिए, बता दिया 5 मिनट थे तो बता दिया कि चलो ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है यहां तक, तो ये कैलकुलस का पूरा पार्ट था। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एरर्स एंड एनालिसिस, मतलब अब आपको स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम दिखेगी, अभी आपको फील नहीं आ रहा था कि ये फिजिक्स भी ऐसी होती है, अब आपको ठीक फील आएगा कि हाँ स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे।
जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो को ऑन करें प्लीज, एरर्स एंड एनालिसिस के जाके।